किया था उसके बाद कभी जाने का मौका नहीं लगा, और मुझे इन्विटेशन भी आया है कि कश्मीर को जल्द से जल्द विजिट किया जाए, जाया जाए। तो ये एक पहला कदम है, और मुझे लगता है कश्मीर जिस तरह की खूबसूरत जगह है, इस तरह के काफ़ी जो पहल हो रही है, इससे न सिर्फ कश्मीर को फ़ायदा होगा बल्कि हमारे जैसे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को फ़ायदा होगा कि हम कश्मीर में लगातार जाकर शूट कर सकें। No, I think I had a very great time shooting Heather over there, and I didn't face any problem. In fact, I felt so much love from the people of Kashmir and the government of Kashmir. It gave us so much support in terms of everything, in terms of logistics and the permissions and everything, that it was a great, great experience for me. हमारे प्रधानमंत्री का एक विजन है, एक साल में ये पूरा नहीं होगा, इससे लॉन्ग टर्म जो भी आप इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म, इसी तरह से मैंने कहा सबसे जल्दी अगर फायदा होगा जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत मिलेगी वो टूरिज्म से मिलेगी। कश्मीर मेरा घर है, मेरे माँ बाप वहाँ रहे हैं, मैंने बहुत साल वहाँ गुजारे हैं छुट्टियों में, और बहुत यादें हैं। अभी मैं 15 दिन पहले मुफ्ती साहब के इन्विटेशन पर कश्मीर गया था और मेरी अच्छी खासी उन्होंने आवभगत की। उसके अलावा कश्मीर दुनिया का सबसे खूबसूरत इलाका है, और मेरी दरख्वास्त है उन सब लोगों से और हिंदुस्तानी फिल्मों के सब प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स से टेक्नीशियंस से कि कश्मीर जाएं। कश्मीर एक ऐसी जगह जहां जिधर भी कैमरा रख दो उसके पीछे एक बहुत ही सीनिक ब्यूटी नज़र आएगी। ये एक अच्छी शुरुआत है, जितना ज़्यादा उसको एक परसेप्शन बना हुआ है कश्मीर का वो टूटना चाहिए, और ये सीएम साहब की बहुत बड़ी बहुत अच्छा स्टेप है जिसकी वजह से कि अलग मैसेज जाए। और हम जब कश्मीर में गए थे शूट करने के लिए तो हमारा तजुर्बा ये था कि वहाँ बहुत सारी पेंट अप एनर्जी है और आउटलेट नहीं है लोगों के पास, तो तरीके ढूंढने चाहिए हम लोगों को भी, उनको भी, कि कैसे एक आउटलेट मिले यंग जनरेशन को, और जो जितने हालात हैं वो नॉर्मल हों।